तहजीबा हिलाल है, मैं अवंतीपोरा से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो है इस इंस्टीट्यूट में जो मैंने पहले जहाँ पे जब ज्वाइन किया था तो सेशन ख़त्म होने वाला था क्लासेस का, फिर मैंने एक महीने में फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों क्लासेस का एग्ज़ाम दिया है सर। उसके बाद जो है सेवन्थ क्लास मैंने यहाँ पे सेवन्थ क्लास में पढ़ाई की, एक ईयर दिया और एक मतलब एक वो ईयर और एक मंथ, वन ईयर एंड वन मंथ, लेकिन वन मंथ में मैंने तीन क्लासेस का एग्ज़ाम दिया और जो एक ईयर है उसमें मैंने सेवन्थ का एग्ज़ाम दिया। और फिर एट्थ नाइन्थ और टेंथ मैंने मंतकी मेमोरियल वर्क फायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपोरा में दिया था और टेंथ में मेरे थे 450 एंड नाउ आई एम इन ट्वेल्थ क्लास, मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं सर और अब जो है मेरे मार्क्स है 450 अल्हम्दुलिल्लाह 451 एंड अब जो है मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, आगे BA होगा मेरा सर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में एंड उसके बाद आई वॉन्ट टू क्रैक UPSC एग्जाम। जी सर, एक्चुअली मेरी उम्र मेरा नवंबर में स्टार्ट हुआ था, नवंबर और दिसंबर के एंडिंग में हम वापस आए, तो मैंने दुआ तो मैं पहले जब कहते हैं कि काबा को जब आप देखते हो फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है कि आपकी दुआएं कबूल होती है, तो मैंने उस टाइम दुआ किया था या अल्लाह मैं यहाँ पे जो भी दुआ करूँगी वो कबूल करो, खुसूसी मैं जब लास्ट वाला उम्र करूँ तब बारिश हो और मैं तवाफ बारिश में करूँ। और एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ, रात का टाइम था, मदीना से वापस आए, रात के टाइम में बारिश हो रही थी, किसी ने हमारे हम एक ग्रुप के साथ थे, ग्रुप में किसी ने नहीं माना कि अभी उम्रा करना सही नहीं है, अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने तो दुआ किया था, मैंने पापा मामा को बोला कि मैंने दुआ किया है एंड वो एक्सपीरियंस मैं बयां नहीं कर सकती अल्फाजों में कि काबा के इर्द गिर्द घूमना और ऊपर से बारिश और रात का टाइम और उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं, तो कितना मतलब सुकून मिला मुझे उस टाइम पर। और उस टाइम मैं यही दुआ कर रही थी कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कुछ करूं, और उसका सबसे आसान वे है कि मैं सर्विस में आऊं UPSC की। मैं क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को, अपने सिस्टर को, मेरी सिस्टर शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मुझसे छोटी है लेकिन ऐसे मुझे गाइड करती है जैसे मुझसे बड़ी है, तो हर किसी चीज़ में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स खड़े रहते हैं, मेरे पापा ने कभी आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इनफैक्ट मैंने दो तीन दिन पहले उनसे कहा कि पापा आईफोन चाहिए, एडिटिंग का शौक है, आईफोन चाहिए, आईफोन दिला दो, बस नाउ इट्स इन माय हैंड्स। तो यही सब चीज़ें हैं। और CEO सर का मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो CEO पुलवामा है उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे लैपटॉप प्रोवाइड किया था पिछले साल, ASUS का लैपटॉप उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था, उस टाइम एक फैसिलिटेशन जो प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जो है लैपटॉप प्रोवाइड किया, उसके थ्रू मुझे बहुत हेल्प मिली बिकॉज मैं ई-बुक्स प्रेफर करती हूँ, ब्रेल बुक्स में जो है टाइम ज़्यादा लगता है तो ई-बुक्स प्रेफर करती हूँ, ई-बुक्स पढ़ना ज़्यादा ईजी और नोट्स बनाना भी बहुत आसान है तो वो मैं प्रेफर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू अब्दुल कयूम नदवी सर। घर में डांट तो ज़्यादा नहीं पड़ती है मुझे क्योंकि मैं बहुत शांत स्वभाव की लड़की हूँ, मेरा नेचर बहुत शांत टाइप का है तो डांट तो ज़्यादा नहीं पड़ती। हाँ कभी कभी जो है खाने के रिलेटेड मुझे डांट पड़ती है कि मैं खाती नहीं हूँ, उसके लिए मुझे पापा या फिर जो मेरे दादू दादी हैं वो डांट देते हैं कभी, फिर मम्मा नहीं, मम्मा तो मम्मा मुझे डांट नहीं पाती है। और जो प्यार है, प्यार तो मुझ पर बरसता ही रहता है, प्यार सभी लोग मुझसे करते हैं, चाहे वो मतलब आप आए, आपने मुझसे थोड़ी देर इंट्रैक्शन की, ऐसा लगता है कि आप भी मतलब अब मुझे प्यार करने लगे एज अ सिस्टर, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। जिससे भी मैं मिलती हूँ वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि हम आपको लाइक करते हैं, हमें आप पसंद हो, तो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों का रिस्पॉन्स देख के। एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ ताकि जब सर्विस में आऊँ तो जो नॉन डिसेबल एंड डिसेबल बच्चे हैं उनको मैं एक दूसरे मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग पीछे रहे या वो लोग पीछे रहे, दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ रहे, एक ग्रुप में खड़े रहे ताकि जो नॉन डिसेबल है वो डिसेबल्स को समझे और डिसेबल जो है वो नॉन डिसेबल बच्चों को समझे। जी मैं मानती हूँ कि मैंने जैसे सीखा है, मैंने जैसे कंप्यूटर सीखे हैं, खुद को अपना एक टीचर बनाना, खुद का एग्ज़ाम लेना ये एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। और अगर कोई मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहता है, मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया है, आप नंबर शेयर कर दीजिएगा एंड वो मेरे साथ कांटेक्ट करे तो मैं क्लासेस देती हूँ स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। और जो मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ जावेद सर है, उनको मैं उनका नंबर दे दूँगी फिर जो मुझसे नहीं होगा। और फिर पहले तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझसे हो, जितना मुझसे हो सकता है तो वो मैं करती हूँ एंड बाकी फिर अल्लाह ताला के ऊपर होता है कि क्या करना होता है। बस मैं हेल्पिंग नेचर में चाहती हूँ, मैं हेल्पिंग बनूँ।